नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोया कॉलेज चुरू आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान तक हमने ऑपरेशंस रिसर्च जो आपका पेपर है 6th, इस पेपर के यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक्स को अपन कवर कर चुके हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पूरा एक न्यूमेरिकल चैप्टर था, जिसको बहुत अच्छी तरीके से अपना उदाहरण देख करके अपने समझाया। इसका अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया और एक सब्जेक्टिव टेस्ट पूरी यूनिट का अपन ले चुके हैं। आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट सेकंड जो है उसका जो पहला टॉपिक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक कार्यक्रम है। इस चैप्टर को, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आपको समझने के लिए बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आराम से इस चैप्टर की सभी बातें आप समझेंगे। एक्चुअल में रैखिक कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये क्या होता है, ये कहाँ इस टेक्निक का, इस विधि का प्रादुर्भाव हुआ, क्यों हुआ, फिर इसको किस रूप में प्रयोग में लिया गया, ये कुछ बातें इसके अपन यहाँ पर देखेंगे, थोड़ी इनिशियल बातें, उसके बाद मैं अपन आगे बढ़ेंगे। वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया था कि संक्रिय विज्ञान के अधीन अधिकांश टेक्निक्स का सेकेंड वर्ल्ड वार या पोस्ट वर्ल्ड वार टाइम में कुछ समय के दौरान इन विधियों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस टाइम एकदम से रिसोर्सेज का क्रंच आ गया था और एक बहुत बड़ी समस्या इंडस्ट्रीज और पूरे सब सामना कर रहे थे कि संसाधन बिल्कुल लिमिटेड हो गए थे। तो एक्चुअल में वार टाइम के तुरंत बाद में जब साधनों की बहुत ज़्यादा संसाधन कम हो गए थे, तो जितने उपलब्ध संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए कई टेक्निक्स का यूज़ शुरू हुआ। ऐसी एक टेक्निक रेखा कार्यक्रम विधि थी जिसका विकास जॉर्ज वी डेंटजिंग के द्वारा, ये एक ऐसा, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट के रूप में अभी इसको कह सकते हैं, एक ऐसा था जिसने 1947 में अमेरिकी वायुसेना की मारक शक्ति का अनुकूलतम नियोजन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। तो बात वही आ गई कि भी ठीक है, उस टाइम भी यद्यपि वर्ल्ड वार तो 42 तक चला होगा, लेकिन इसके बावजूद भी, या 45 तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो उस टाइम चूंकि माहौल सारा युद्ध का और अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का था, तो वायुसेना की, अमेरिकन वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रविधि का प्रादुर्भाव किया। लेकिन इसके बाद में इस विधि का प्रयोग जो है उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्रीज में, इनमें भी इसका प्रयोग होने लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है उद्योगों के अंदर भी कि साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों से हम किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हम बनाएं जिससे कि उन साधनों का उपयोग अधिकतम हो जाए, उससे लागत न्यूनतम आए, लाभ अधिकतम हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक इंडस्ट्री के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बखूबी चलती हैं। तो इन सीमित संसाधनों को विभिन्न क्रियाकलापों में वितरित करना, यानी हम कौन कौन सी चीज़ों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि लाभ अधिकतम हो या कॉस्ट न्यूनतम आए। तो रैखिक कार्यक्रम प्रविधि ने सक्रिय की, यही एक ऐसी विधि है ये रैखिक प्रोग्रामिंग जो कि वास्तव में इन सीमित जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनको विभिन्न क्रियाकलापों में वितरित करने का, यानी अनुकूलतम रूप से आवंटित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा की जहाँ तक बात है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये बात तो अपन यहाँ समझ ही गए कि भाई ये वास्तव में ये एक गणितीय प्रविधि, एक मैथमेटिकल एक विधि होती है जिसका प्रयोग जो होता है, जो उपलब्ध सीमित संसाधन होते हैं उनको विभिन्न जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, उनमें अनुकूलतम रूप से आवंटित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
यानी एक ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न रिसोर्सेज का विभिन्न एक्टिविटीज़ में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो चर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो रेखीय होता है। रेखीय संबंध होने का मतलब है लीनियर रिलेशनशिप उनके बीच में होती है कि भाई एक जैसे चर को आपने संसाधन दिए तो दूसरे में कम हो जाएंगे, उसी अनुपात में कम हो जाएंगे, या उसी अनुपात में जैसे संसाधन जो होते हैं उनके बीच में जो जो चर होते हैं उनके बीच में ये रिलेशनशिप होती है डायरेक्ट और प्रिसाइज होती है, यानी वो उसी अनुपात में चेंज आएगा। एक एक में चेंज करने पर दूसरे में भी उसी अनुपात में रिवर्स या जो है वो समानुपाती संबंध आएगा, बढ़ने या घटने का जैसा भी है। तो वो लीनियर रिलेशनशिप इन दोनों चर या तीन जितने भी चर या वेरिएबल्स होते हैं जिनको अपन विभिन्न क्रियाकलाप कह सकते हैं, तो उन उनके बीच में ये रिलेशनशिप होती है कि भाई एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा या एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, किस अनुपात में, उसी अनुपात में घटेगा, समानुपाती रूप से उनमें चेंज आएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है उनके बीच में होनी चाहिए। तो तब ये कहता है कि ऐसे रिलेशनशिप को अपन रेखीय संबंध या रेखीय कार्यक्रम कहते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन जो है वो एक सिंपल जो है वो ऑप्टिमम डेफिनेशन आपको दी गई है, इसको अपने को ध्यान में करना है। यहाँ संबंध रेखीय होने का अभिप्राय क्या होता है ये अपने को बताया गया है कि जो विभिन्न चर या वेरिएबल्स हैं जैसे x1, x2, xn जो हैं उनके मध्य जो है वो प्रत्यक्ष और समानुपाती संबंध होता है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल संबंध इनके बीच में होता है। रेखीय कार्यक्रम की विशेषताएं और मान्यताएं क्या होती हैं ये अपने को देखना है। तो वैसे तो इस परिभाषा में कुछ बातें अपने क्लियर हो जाती हैं, फिर भी अपने एक बात को देखते हैं कि भाई जो रेखीय कार्यक्रम होता है उसका जो पहला जो उसका उद्देश्य होता है उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, एक सुपरिभाषित उद्देश्य होता है, एक सुपरिभाषित उद्देश्य होता है जिसको अपन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये या तो लाभ को अधिकतम करना होता है या लाभ को या कॉस्ट को न्यूनतम करना होता है। तो अपन जानते हैं कि जब एक किसी ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो होता है मैक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लेकिन कोई ये लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक अगर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है तो वो भी बात यही होगी कि अल्टीमेटली उसका एम तो लाभ को बढ़ाना ही होता है। तो लेकिन अगर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ये इसका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये पहली इसकी विशेषता हुई। दूसरी विशेषता ये होगी कि समस्या के समाधान के कई विकल्प होते हैं। समस्या के समाधान के विकल्प अनेक होते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करना हमारी सबसे बड़ी यहाँ समस्या होती है जिसको अपने को हल करना होता है। ये समस्या उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ समस्या के जो वैकल्पिक हल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो प्रोडक्ट बनाने हैं x1 और x2। अब x1 के 5 इकाई बनाएं या 3 इकाई y की x2 की बनाएं, x1 की 3 बनाएं, x2 की 5 बनाएं, कितनी यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस करें जिससे कि कॉस्ट मिनिमम आए या प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो यहाँ पर ये विकल्प अपने को उपलब्ध हैं, या x की बिल्कुल नहीं बनाएं, x2 की बनाएं, x1 की बिल्कुल नहीं बनाएं, या x1 की ही बनाएं, x2 की बिल्कुल नहीं बनाएं। तो ये सो मेनी ऑप्शंस हो सकते हैं जो इसके बारे में, समस्या के बारे में, लेकिन उनमें से अपने को जो बेस्ट ऑप्शन होता है जिस कम्बिनेशन से कॉस्ट मिनिमम आए या प्रॉफिट मैक्सिमम आए वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। इसलिए ये अपने को ध्यान रखना है कि समाधान के कई विकल्प होते हैं और उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है साधनों की मात्रा सीमित होती है। ये एक निश्चित इसकी विशेषता होती है कि यदि साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हो तो फिर कोई समस्या होती ही नहीं है, आप जैसा चाहेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। जब साधन सीमित होते हैं तो फिर उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे जिससे कॉस्ट न्यूनतम आए, यानी हमें जो जो कुछ निर्णय लेना है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से लेना है।
तो लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे हो, यही एक टास्क है जिसको अपने को इसके अंदर सॉल्व करना होता है। तो ये एक इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद में जो होता है नेक्स्ट होता है कि जो सर होते हैं उनके बीच में संबंध रेखीय होते हैं। तो ये अपने ऊपर भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि चर रेखीय नहीं होंगे तो फिर रेखीय प्रोग्राम होगी क्या। तो उनके बीच में संबंध जो है वो आपस के चरों के बीच में वो डायरेक्ट प्रिसाइज और प्रोपोर्शनेट संबंध उनके बीच में होते हैं। जो चर होते हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष और समानुपाती संबंध होता है, जिसका सीधा अभिप्राय ये होता है कि अगर एक चर में कोई चेंज करते हैं तो दूसरे के अंदर उसी प्रोपोर्शन में उसमें चेंज हो जाता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा जो है वो रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। दूसरी इसके अलावा इसके अंदर जो और इसकी विशेषता होती है उसमें ये होता है कि जो भी निर्णय चर आएगा, जैसे जो हमारा हल आएगा एक्स वन या एक्स टू की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू वास्तव में नॉन इंटीग्रल जो है वो हो सकती है। नॉन इंटीग्रल होने का मतलब क्या है कि वो पूर्णांक में ही हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई एक्स की इकाइयों की संख्या दो आए या तीन आए या चार आए, ये नहीं है। वो एक बटा दो, तीन बटा चार, चार बटा पाँच, इस तरीके से भी वो आ सकती है, ठीक है। यानी वो इंटीग्रल हो, इंटीजर्स के रूप में हो, इंटीजर्स के रूप में नहीं पूर्णांक के रूप में हो, जैसे वन टू थ्री फोर, ऐसा ही जरूरी नहीं कि वो पॉइंट्स में यानी डेसिमल्स में भी आ सकती है। तो ये इस चीज़ की विशेषता हो गई। इसके अलावा जो है वो उनके जो उद्देश्य फलन और प्रतिबंधों के गुणांक निश्चित होते हैं। तो यहाँ निश्चित होने का मतलब ये होता है कि जैसे प्रति इकाई लाभ होता है वो निश्चित होता है, या प्रति इकाई लागत जो होती है वो निश्चित होती है। जो निर्णय चर आएगा, जो हल आएगा, उस हल की जो यूनिट्स आएंगे उनको अपन इंटू करेंगे किसे, दी वी लाभ की प्रति इकाई मात्रा या लागत की प्रति इकाई मात्रा से। तो लागत और लाभ उद्देश्य फलन में आते हैं, ये निश्चित होते हैं। इसके अलावा जो साधनों से संबंधित, शर्तों से संबंधित, सीमाओं से संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों के अंदर भी जो चर यूज करते हैं उनकी जो गुणांक होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उसको दो मशीनें अगर यूज की जा रही हैं दो प्रोडक्ट बनाने में, तो प्रत्येक मशीन के ऊपर जो कुल घंटे होते हैं उनके अंदर प्रति इकाई जो x1 की या x2 की जो इकाई आएंगी उनके लिए कितने कितने घंटे लगेंगे, ये निश्चित होते हैं। यानी प्रति इकाई आपके लाभ और लागत भी निश्चित होता है और प्रति इकाई साधनों का उपभोग भी निश्चित होता है, क्योंकि साधनों का जो उपभोग होता है वो प्रतिबंधों में दर्शाया जाता है, और जो 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 लाभ या जो लागत होती है वो जैसे अपन उद्देश्य फलन में दर्शाते हैं। तो ये चीज़ें निश्चित होती हैं। एक आता है योगात्मकता, यानी एडिटिविटी क्या होती है। योगात्मकता का अभिप्राय ये है कि जो कुल जो साधनों से संबंधित जो कुल साधन होते हैं, जैसे मान लीजिए दो साधन यूज किए जा रहे हैं, एक मशीन M1 है एक मशीन 2 है, तो जो प्रत्येक जो साधन होता है उस साधन के ऊपर, उस प्रत्येक साधन की जो अलग अलग जो प्रोडक्ट में जो 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 साधनों की मात्रा यूज की जाती है उसका योग जो होता है वो उस साधन की कुल मात्रा के बराबर होता है। तो जब हम किसी भी प्रतिबंध को जब हम लिखते हैं और उस प्रतिबंध की जो कुल मात्रा उपलब्ध होती है, जो सीमा होती है, जो लिमिट्स होती हैं, जो अवेलेबिलिटी होती है, उसकी कुल मात्रा जो है उसका मान कैसे आता है, प्रत्येक साधन की जो जो का जो यूज करते हैं विभिन्न वेरिएबल्स में, विभिन्न चरों में, उनमें जो यूज करते हैं उनका योग होता है वो उस साधन की मात्रा के बराबर होता है। तो जैसे M1 के कुल घंटे होते हैं वो X1 और X2 के जो का योग होगा वो M1 मशीन आएगा, M2 मशीन में जो यूज करेंगे तो वो भी X1 और X2 जो प्रोडक्ट होंगे उनमें जो घंटे यूज किए जाएंगे उनका योग M1 M2 मशीन की कैपेसिटी के बराबर होगा। तो ये इसकी योगात्मकता का अर्थ होता है। अब हम कुछ इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ सर्टेन डेफिनेशंस जो हैं, यहाँ डेफिनेशन का मतलब किसी विद्वान की परिभाषा से नहीं है, पहले आप ये क्लियर करें। यहाँ डेफिनेशन से मतलब है कि जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस टेक्निक में कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा और कुछ सॉल्यूशंस की नेचर आएगी जिसके बारे में अपने को क्लियर होना है कि ये क्या होता है।
तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए जब अपन कुछ परिभाषाओं का यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम कहते हैं लक्ष्य फलन। लक्ष्य फलन, उद्देश्य फलन, जैसे अपने कहा कि विशेषता में लिया कि एक उद्देश्य फलन होता है, उसका मतलब क्या होता है? वही बात है, इसका मतलब होता है कि लाभ को अधिकतम करना है या लागत को न्यूनतम करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस समस्या के अंदर एक लक्ष्य तो होगा ना अपना, कि हमें क्या करना है। उस लक्ष्य को हम व्यक्त करने वाले एक समीकरण को हम लक्ष्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये लक्ष्य फलन जो है वो प्रति इकाई लाभांश या प्रति इकाई लागत को, प्रति इकाई लाभांश या प्रति इकाई लागत को जो चर होता है उससे गुणा करने पर, अब चर में जैसे x1 और x2 चर हैं, वेरिएबल हैं, जिनके मान अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कम ज़्यादा आ सकती है, वन से लेकर कितनी भी हो सकती है, वो वन से कम भी हो सकती है। तो जिन वैल्यूज़ को अपन कैलकुलेट करना है x1 और x2 की, उनकी जो मात्राओं को गुणा करने पर वो जो कुल आता है मान, उसको अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर प्रॉफिट है तो, और कॉस्ट है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन वेरिएबल्स का जो वैल्यू है जो आएगी उसको गुणा करने पर आता है। तो यानी प्रति इकाई लाभ और प्रति इकाई लागत को अपन डिसीजन वेरिएबल्स की मात्रा से गुणा करते हैं, तो ये जो मान आता है उसको अपन जो है वो एक तरह से उस मान को अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को व्यक्त करता है। इसको लिखने का तरीका क्या है वो अपने को देखते हैं। जैसे मैक्सिमाइजेशन जेड लिखा, जिसका मतलब आपको लाभ को अधिकतम करना है, तो सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी एन एक्स एन इस तरीके से हो जाएगा, अनंत तक जितनी इसमें वेरिएबल्स होंगे उतनी अपन जोड़ेंगे तो कुल लाभ आ जाएगा जिसको हम मैक्सिमम करना चाहेंगे। यदि मिनिमाइजेस करते हैं तो मिनिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू सी वन एक्स वन, इन सी का मतलब यहाँ कॉस्ट से ले लो, ऊपर वाले मैक्सिमम प्रॉफिट है तो सी का मतलब कंट्रीब्यूशन से ले लो, तो इसको अपन मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो ये बात यहाँ पर जो है वो लागत से संबंधित को हम न्यूनतम करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे सकते हैं। दूसरा इसके अंदर है कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं अपन ये, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं। कॉन्स्टेंट्स ये भी आपको बताया कि जैसे कोई सीमाएँ होती हैं, साधनों से संबंधित शर्तें होती हैं, सीमाएँ होती हैं, कुछ अवेलेबल मात्राएँ होती हैं कि जिन सीमाओं के भीतर रह करके काम करना होता है, तो वो शर्त या सीमाएँ जो होती हैं या बंधन होते हैं उनको, या साधनों की जो मात्रा है उनको अपन जो है वो प्रतिबंध के रूप में व्यक्त करते हैं, उनको अपन प्रतिबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। और इन प्रतिबंधों को एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि जो उद्देश्य फलन में जो प्रयुक्त चर होते हैं, जैसे अक्ष वन या अक्ष टू जो चर हैं, उनको उन चरों को प्रत्येक साधन या शर्त की क्षमता या मात्रा या सीमाओं को व्यक्त करने वाले समीकरण या समीकरण होते हैं। यानी जो चर जैसे x1 और x2 है, उस x1 और x2 में साधनों को बंटित किया, यानी साधनों या शर्त या प्रतिबंधों या क्षमताओं को जो व्यक्त करते हैं, यानी सीमाओं को उन चरों में व्यक्त करने के लिए जो समीकरण असमीकरण दिए जाते हैं उनको अपन प्रतिबंध कहते हैं। तो उनको लिखने का तरीका जो होता है उसके लिए प्रतिबंध के साइन जो होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वलिटी के रूप में इन साइंस को व्यक्त किया जाता है, इन साइनों को व्यक्त करते हैं। और ये प्रतिबंध जो हैं वो इनके साइन आपको बता दिए। अब जैसे एक इसका एक एग्जाम्पल अपने जैसे ले आके भी प्रतिबंध कैसे लिखे जाते हैं, जैसे थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कर दिया, इसी तरीके से x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया, और इसी तरीके से 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30 लिख दिया। तो ऐसे ऐसे प्रतिबंध आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों में से किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, तीनों फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से सीमाओं या शर्तों या साधनों को बांधने वाले समीकरण होते हैं, जिनके भीतर रह करके, कॉन्स्टेंट्स का मतलब प्रतिबंध हुए, उन सीमाओं के अंतर रहते हुए काम करना होता है, उन सीमाओं का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वही एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसके बाद में तीसरी आती है, इसमें हल किसे कहते हैं, सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो हल का यहां मतलब ये होता है कि ये जो हल अपन एक्स वन और एक्स टू या एक्स थ्री या एक्स एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यदि ये जो वैल्यू आएगी यानी x1, x2, xn इनके मानों का जो समुच्चय आएगा, यानी समुच्चय का मतलब यहाँ पर x1, x2, x3 इनके मान जो आएंगे
उनको यदि प्रतिबंधों में हम प्रतिस्थापित कर दें तो वो प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए, दैट मीन्स हल आ गया। जैसे भाई आपने कहा कि 3x1 + 2x2 = 40 आ रहा है, अब x1 और x2 की वैल्यू उसमें आपने रिप्लेस की, आपका 40 आंसर आ गया, दैट मीन्स सॉल्यूशन आ गया। सॉरी, तो जो सॉल्यूशन जो वैल्यू है, जो वैल्यू उद्देश्य फलन से संबंधित जो निर्णय सर आए हैं उनके जो मान है उनको अगर अपने प्रतिबंधों में प्रतिस्थापित किया और प्रतिबंध संतुष्ट हो गए, इसका मतलब हल आ गया। तो एक तो हल की बात ये हो गई। दूसरा, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी संभाव्य हल किसे कहते हैं। संभाव्य हल का मतलब बहुत सीधा सा है, आप ध्यान रखें हमेशा कि भाई जो प्रतिबंध तो संतुष्ट हुए हुए, यानी जो जो निर्णय चर जो आए उनकी जो वैल्यू है x1 x2 xn की वैल्यू को जब प्रतिबंधों में स्थापित किया तो प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। ये जो प्रतिबंध संतुष्ट होने के साथ साथ जो ऋणेत्र प्रतिबंध भी संतुष्ट हो जाएं तो उसका मतलब हल सुसंगत हो गया। ऋणेत्र प्रतिबंध कौन से होते हैं, जिन प्रतिबंधों को हम नॉन नेगेटिव रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ये केवल दर्शाने के लिए होते हैं, ये कहीं पर भी यूज नहीं होते, लेकिन इनकी इनकी जो यूटिलिटी है वो ये होती है कि वो सीमाओं को ऐसे बांधते हैं कि कोई भी चर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, वो शून्य आ सकती है, शून्य से लेकर के कितनी भी आ सकती है लेकिन वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए बल्ब बनाने हैं तो बल्बों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। यदि आपके हल में नेगेटिव मान किसी प्रोडक्ट का आ गया, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, उसमें गलती है, तो उस सॉल्यूशन को हम फिजिबल नहीं कहते हैं। तो सुसंगत होने का मतलब ये है। तो इसलिए जैसे x1 > 0 होगा, x2 > 0 होगा, ये केवल दिखाने के लिए हैं कि वो 0 या 0 से अधिक हो सकते हैं लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इनको अपन कहते हैं कि वो ऋणेत्र प्रतिबंधों को भी अगर संतुष्ट करता है, यानी वो केवल प्रतिबंध तो संतुष्ट हो रही हैं साथ ही ऋणात्मक प्रतिबंध ऋणेत्र प्रतिबंध भी संतुष्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स x1 और x2 की वैल्यू है वो ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, तो उस हल को अपन सुसंगत हल कहते हैं। इसके बाद में आता है आधारीय हल या बेसिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो आधारीय हल को बहुत सीधे सिंपल वे में आप समझना, जब प्रतिबंधों की संख्या जो होती है जिनमें अपन ये ऋणेत्र प्रतिबंधों को छोड़ देते हैं, x1 > 0 और इनको अपन छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों की जो संख्या होती है वो उद्देश्य फलन के चरों की संख्या से कम होती है। ध्यान देना, उद्देश्य फलन के चरों की संख्या से अगर प्रतिबंधों की संख्या कम होती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबंधों की संख्या के बराबर अशून्य चरों के मान आएंगे और शेष चरों के मान शून्य होंगे, तो ऐसे हल को हम आधारीय हल या बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके उद्देश्य फलन के अंदर जो है वो x1 x2 x3 तीन चर हैं, जबकि आपके प्रतिबंध केवल दो ही हैं। तो जब दो ही प्रतिबंध होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, केवल दो ही चरों के मान आएंगे। अब वो चाहे x1 x2 आ सकता है, x1 x3 आ सकता है, x2 x3 आ सकता है, दो ही चरों के मान कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रतिबंध दो ही हैं, तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे, दो ही चरों के मान सॉल्यूशन आएंगे। तो जब ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब उद्देश्य फलन के चरों से कम होती है प्रतिबंधों की संख्या, तो प्रतिबंधों की संख्या के बराबर चरों के यानी दो चरों के मान तो आएंगे अशून्य, अशून्य का मतलब जीरो से बड़े आएंगे, और बाकी जो एक चर बच गया जैसे तीन होने पर तो उसका मान जीरो आएगा। अगर यह कंडीशन होती है इसका मतलब वो हल बेसिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, इसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद में, और ये तो है ही सभी जो, हाँ ये बेसिक सॉल्यूशन आ गया। अब आ गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक तो बात ये होगी कि बेसिक सॉल्यूशन अपने अभी देखा कि भी जो अशून्य चर होंगे, दो अशून्य चर होंगे और एक शून्य चर होगा, तो ये स्थिति होगी। तो जो अशून्य चर आते हैं वो अशून्य चर क्या करेंगे, जो अशून्य चर आए उनके जो मान हैं उनको जब प्रतिबंधों में रखेंगे तब प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे,
तो वो हल हो गया, संतुष्ट हो गए। लेकिन वो जो आधारीय हल है वो यदि नॉन नेगेटिविटी को भी अगर संतुष्ट करता है, यानी वो ऋणेत्र प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है, तो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी हो गया। भाई यहाँ सुसंगत का मतलब सीधा सा होता है कि वो ऋणात्मक प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है, यानी ऋणात्मक कहो या ऋणात्मक प्रतिबंध भी कहो, यानी वैल्यू जो अशून्य चर हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो फिर वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। फिजिबिलिटी का मतलब सीधा सा ये है कि कोई भी जो अशून्य चर है उसका मान नेगेटिव नहीं आ सकता, तो वो बेसिक है, तो है ही वो बेसिक की, तो ऊपर अपने बता दी उस कंडीशन को पूरा करता है। इसके बाद में होता है अपविकसित अपभ्रष्ट आधारीय सुसंगत हल। अपभ्रष्ट सुसंगत हल, अपभ्रष्ट सुसंगत हल का मतलब, यहां अपभ्रष्ट का मतलब इसको इंग्लिश में डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन बेसिक भी है, सॉल्यूशन फिजिबल भी है, और वो बेसिक भी है और फिजिबल भी है, लेकिन वो अपविकसित अपभ्रष्ट कैसे होता है? जैसे अभी अपन ने ये कहा कि भाई जब तीन चर हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और प्रतिबंध है दो, अब दो में अपन ने ये कहा कि दो प्रतिबंधों के मान अशून्य आएंगे, दो प्रतिबंधों में दो चरों के मान अशून्य आएंगे और एक चर का मान तो शून्य आना ही आना है, क्योंकि जो प्रतिबंध ही दो है तो दो ही कैलकुलेट होंगे। अब हुआ ये कि दो की बजाय मान लीजिए एक ही चर अशून्य आया, एक ही चर अशून्य आया, दूसरा शून्य आ गया, और एक शून्य अपने मान ही रखा है पहले से ही, क्योंकि आप दो से ज्यादा तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तीन चर हैं उसमें केवल एक चर अशून्य हुआ और बाकी दो चर शून्य हो गए। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि जब किसी आधारीय सुसंगत हल में, अगर किसी आधारीय सुसंगत हल में अगर अशून्य चरों का मान, अगर जितने प्रतिबंध होते हैं उससे कम चरों का मान अशून्य आता है, यानी तो प्रतिबंधों की संख्या से कम चरों का मान अशून्य आता है, तो उसको हम डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी प्रतिबंधों की संख्या से कम चरों का मान अशून्य प्राप्त होता है तो उसे डीजनरेट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यह स्थिति अगर हो जाती है तो उसको अपन डीजनरेट सॉल्यूशन कहेंगे। और लास्ट आता है इसमें अनुकूलतम सॉल्यूशन, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सीधी सी बात यह होती है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये एक ऐसा सुसंगत हल होता है, एक बेसिक सुसंग फिजिबल सॉल्यूशन होता है जिसमें चरों के जो मान होते हैं, जो उन जो चरों के मान जो कैलकुलेट किए गए, जो हल किया गया है, उनको यदि एक्स के फलन में अपन प्रतिस्थापित करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होगा, तो ऐसे हल को हम अनुकूलतम हल कहते हैं। सीधी सी बात हुई, यानी एक ऐसा आधारीय सुसंगत हल होता है जिसके दिए हुए लक्ष्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम आता है, तो उसे हम अनुकूलतम या ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या मॉडल ऑफ द एलपीपी, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसका गणितीय रूप हम को हम से मतलब यहाँ पर क्या होता है। अब क्या है कि एक्चुअल में जब कोई समस्या होती है किसी इंडस्ट्री में, तो वो जैसे एक प्रॉब्लम के रूप में होती है, वो प्रॉब्लम एक पैराग्राफ के रूप में होती है। पैराग्राफ के रूप में अभिप्राय होने का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से एक अपनी कह सकते हैं कि एक 10 लाइन का एक भाषण है जिसमें वो कहता है कि भाई उसको दो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, P1 और P2 दो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसमें दो मशीनें लगी हुई हैं, एक M1 और M2 का यूज करेगा, मशीनों के ऊपर कुल घंटे इतने लगते हैं, उसमें से अगर वो P1 पर इतने घंटे प्रति इकाई लगता है, दूसरे पर प्रति इकाई इतने घंटे लगते हैं, और वो P1 और P2 की लाभ इतने इतने रुपए प्रति इकाई लाभ लेना चाहता है, तो अब आप बताइए कि वो P1 की कितनी इकाई बनाए और P2 की कितनी इकाई बनाए। दैट इज द प्रॉब्लम बिफोर ए मैनेजमेंट। एक प्रबंध के सामने समस्या होती है कि हमारे पास ये तो हम रिसोर्सेज हैं, हम ये पर यूनिट लाभ कमाना चाहते हैं, वो अपनी एक मार्केट रिसर्च स्टडी के बाद एक प्रॉब्लम आपके सामने पैराग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं
कि भाई ये तो हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर यूनिट हम गेन करना चाहते हैं। अब हमें आप बताइए कि हम कितनी इकाई दोनों प्रोडक्ट की बनाएं जिससे हमारे को एक मैक्सिमम गेन प्राप्त हो सके। तो अब प्रोडक्ट एक्स वन की एक भी बना सकते हैं, एक्स टू की बिल्कुल नहीं बनाएं, एक्स वन की 5 बनाने, एक्स टू की 20 बनाने, अब ये सो मैनी पॉसिबिलिटीज आते हैं। बट एक्चुअल में वो आपका एक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि उसको मैक्सिमम उससे गेन हो। तो इसका एक टास्क आपके सामने ये होता है, यानी कोई समस्या जब पैराग्राफ के रूप में होती है तो उस समस्या को हम एक गणितीय रूप में उसको प्रकट करते हैं, और गणितीय रूप में प्रकट करने के लिए हमारे पास दो ही बातें होती हैं। उसने जो आपके सामने समस्या पेश की वो ये कि हम ये कमाना चाहते हैं, यानी प्रॉब्लम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए, दूसरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए आपके पास में आपकी रेस्ट्रिक्शंस जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसने बता दिए कि हमारे पास ये दो मशीनें हैं और इनके इतने घंटे मैक्सिमम हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आपके कॉन्स्टेंट से रिलेटेड एक जो है प्रतिबंधों से संबंधित समीकरण या समीकरण हो गए। तो इन दो चीजों को मिलकर के उस पूरी पैराग्राफ की समस्या का एक मैथमेटिकल मॉडल आपके सामने आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वेरिएबल्स की हम पहचान कर लेते हैं कि क्या चीज मान किस चीज का कैलकुलेट करना, वो जब हमें पता हो गया तो उन मानों को अपन लक्ष्यपरण के साधनों से संबंधित सीमाओं से संबंधित जो प्रतिबंध है उनमें अपन उनको प्रकट करते हैं और फिर उसका अनुकूलतम हल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपने एक जैसे एग्जाम्पल इसमें मैंने अभी आपको मेंशन किया, एक एग्जाम्पल आपका सामने इसमें लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को एक पैराग्राफ के रूप में है, अभी इसको आपको मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन करना है। अभी जैसे मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि भाई इसके अंदर सबसे पहले अपन लक्ष्य फलन लेते हैं। लक्ष्य फलन हम लेने से पहले थोड़ा आप ध्यान करें, ऐसे पैराग्राफ की किसी भी समस्या को पहले अपन टेबल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। टेबल के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो जो आपका लक्ष्य है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या प्रॉफिट को अधिकतम करना, और जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उन चरों को हम ऊपर लिख लेते हैं। जैसे P1 P2 आपने ऊपर लिख लिया क्योंकि आपको प्रोडक्ट P1 और P2 की मात्रा कैलकुलेट करनी है, तो जो कैलकुलेट करनी है वो आपके ऊपर लिख लिया। जो साधन है रिसोर्सेज हैं जैसे मशीन M1 और M2 की मात्रा जो दी हुई है वो आपने लेफ्ट में रख लिया M1 M2, और इनके आपने कैपेसिटी आगे लिख ली। जो लाभ कैलकुलेट करना है, जो लाभ चाहिए प्रति इकाई, वो आपने नीचे लिख लिया, जैसे 60 और 50 है वो लाभ नीचे लिख लिया। तो इस तरीके से टेबल बनाने के बाद में आपको इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका लाभ अधिकतम करना है तो लाभ वाली तो हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने माना कि P1 को X1 कह दिया और P2 को X2 प्रोडक्ट कह दिया, तो आपके लाभ की यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनी, 60X1 प्लस 50X2, मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू 60X1 प्लस 50X2। अब X1 और X2 को वैल्यू जब आ जाएगी उसको गुणा करेंगे, उसको जोड़ देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा। ये एक सिंपल गणित है कि हमें X1 और X2 की इकाइयों की मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जिससे लाभ अधिकतम आएगा। तो पहली तो आई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आती है साधनों की बात, तो साधन अपने नीचे दिए हुए हैं तो इन साधनों को अपना X1 और X2 के अंदर आगे रख देंगे। जैसे M1 के लिए प्रतिबंध के लिए क्या प्रतिबंध बनेगा, M1 मशीन के लिए X1 प्लस 2X2 और लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा 40, क्योंकि कैपेसिटी और मात्रा कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते। वो 40 जैसे घंटे इसने बताए तो 40 या तो एग्जैक्ट 40 होंगे या 40 से कम घंटे यूज कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते लेकिन कम हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट 40 करेंगे तब तो इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन चूंकि मैंने कहा प्रतिबंध आपके समीकरण और समीकरण के रूप में हो सकते हैं और क्षमता हमेशा मैक्सिमम होती है, इसलिए यूज लेस देन इक्वल टू का करेंगे, केवल इक्वल टू का नहीं करेंगे। इसी तरीके से 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 60 करेंगे, यानी इस घंटे 60 या 60 से कम हो सकते हैं, 60 से अधिक तो हो ही नहीं सकते, एग्जैक्ट 60 नहीं हो सकते। अगर कोई समीकरण ऐसा होगा जिसमें कहा है कि वो एग्जैक्ट इतने यूज करता है तो हम एग्जैक्ट इक्वल टू कर देंगे, अदरवाइज साइन लेस देन इक्वल टू का होगा यहां पर कैपेसिटी के लिए। कई बार कुछ साइन ऐसे हो सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है, अब उसने कह दिया कि रिक्वायरमेंट आपको इतनी कैलोरी आपको चाहिए, आपको जो है वो एनर्जी चाहिए, तो कैलोरी जो एनर्जी चाहिए वो मैक्सिमम नहीं होती, वो मिनिमम होती है, मिनिमम इतनी कैलोरी एनर्जी तो हानि आनी चाहिए, तो उसमें साइन ग्रेटर देन इक्वल टू कहा जाता है।
तो रिक्वायरमेंट कोई भी चीज़ होती है वो मिनिमम होती है, लेकिन कैपेसिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो इसलिए साइन लेस देन इक्वल टू का आता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी। अब ये चीज़ रखने के बाद में हमने दो प्रतिबंधों के संबंध में समीकरण रखे। तीसरे जो अपने नीचे आती है इसके अंदर है, जैसे एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा अपने और एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा, ये ऋणेत्तर प्रतिबंध कहलाते हैं, जिनको अपन एक तरह से अपन अऋणात्मक प्रतिबंध भी कहते हैं या ऋणात्मक प्रतिबंध ऋणेत्तर प्रतिबंध भी कहते हैं, कि एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा जाता है इसको। तो ये ऋणेत्तर प्रतिबंध का अपने अर्थ भी इसके अंदर समझा दिया है कि ऋणेत्तर प्रतिबंध इस तरीके से इसको तीन भागों में अपन बांटते हैं प्रॉब्लम को, या हम ये कह सकते हैं कि चार भागों में हो गया। पहले तो हमने इसकी टेबल बनाई, उसके बाद में हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखी, फिर अपन ने इसके कॉन्स्टेंट्स लिखे, और फिर अपने नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी इसके लिखे एक्स वन और एक्स टू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हुए। इस तरीके से करने के बाद में जब प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से हम सोल्व करते हैं तो प्रॉब्लम का हल आता है। अब ये जो उत्पादन की मात्रा आएगी, यानी समस्या का निर्णय, जिसको अपन कहते हैं निर्णय या का हल क्या आएगा, समस्या का निर्णय या हल क्या आएगा, तो हल x और x2 की मात्रा यानी p1 और p2 की वह उत्पादन की मात्रा आएगी जिस पर कि कुल लाभ जो है वो अधिकतम आएगा। कुल लाभ अधिकतम जिस पॉइंट पर आएगा वही पॉइंट x1 और x2 का वही हल कहलाएगा, जिस पर कुल लाभ अधिकतम आएगा उसको हम हल कहेंगे। यानी x1 और x2 की वह मात्रा, x1 की वह मात्रा और x2 की वह मात्रा जिसका उत्पादन करने पर लाभ अधिकतम आएगा वही हल कहलाएगा, क्योंकि उसी को हम अनुकूलतम हल कहते हैं। अब क्या होगा, वो हल कैसे कहलाएगा, कि उस जो मात्रा को जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तब तो अधिकतम लाभ, या इस क्वेश्चन में जैसे मान लो मैक्सिमाइजेशन, तो अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और उन मात्राओं को जब हम प्रतिबंधों में रिप्लेस करेंगे तो प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे, यानी प्रतिबंधों में जो मात्रा है वो उसके बराबर आएगी, कुल मात्रा जो है वो एडिटिविटी का रूल फॉलो हो जाएगा। तो हल क्या होगा, हल वो होगा जिसमें x1 और x2 की वह मान जो कि लक्ष्य फलन में रखने पर अधिकतम वैल्यू आए और जिनको प्रतिबंधों में रखने पर प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए, तो उसको हम हल कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिबंधों में रखने पर तो उनके वो संतुष्ट हो जाते हैं और लक्ष्य फलन में रखने पर मान अधिकतम प्राप्त होता है, तो उसको हम हल कहेंगे। तो ये एक निश्चित बात हुई कि किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या को हम तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि उनको गणितीय रूप में उसको प्रकट करना संभव नहीं हो। तो गणितीय रूप से प्रकट होना जरूरी है, उसका मैथमेटिकल मॉडल, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी समस्या को हम हल कर सकते हैं, अदरवाइज समस्या को रैखिक कार्यक्रम समस्या का हल नहीं हो सकता है। ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। हमने आज इस पूरी चैप्टर में कुछ शुरुआती बातें इसके बारे में अपने देखी, बार बार जो वर्ड्स यूज होंगे उनको अपने देखा, और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात हमने आगे के जो चीज़ें हैं उनके लिए एक आधार अपने तैयार किया, कि हमें किसी भी पैराग्राफ से में दी हुई समस्या अगर अपने को सीधा उसका गणितीय रूप नहीं दे रखा है, उसको समस्या पैराग्राफ के रूप में दे रखी है, तो हम कैसे उसको गणितीय रूप में कन्वर्ट करते हैं और फिर समस्या को हल आगे करते हैं। अभी ये समस्या का हल नहीं है, अभी हम इसका हल कैसे करेंगे ये तो आगे हम देखेंगे, लेकिन आज हमने ये सीखा कि किसी भी समस्या को हम पहले गणितीय रूप में उसको व्यक्त करेंगे और उसके बाद ही उसका हल करेंगे। ये हमने आज की इस लेक्चर व्याख्यान में सीखा है। धन्यवाद बच्चों।